एक तरफ देश के दो सूबों में बीफ और गौ हत्या को लेकर घमासान जारी है, तो वहीं धर्मनगरी वाराणसी में जो तस्वीरें दिखी वो गंगा जमुनी तहजीब के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। यहां एक इफ्तार पार्टी में मुस्लिम समाज के लोगों ने गाय के दूध से रोजा खोला और यह सिलसिला पूरे रमजान भर चलने वाला है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। गाय को लेकर हिंदू मुस्लिम समाज के बीच खाई पैदा करने वालों के लिए काशी की ये तस्वीरें किसी नजीर से कम नहीं। जी हाँ, वाराणसी में गंगा जमुनी तहजीब की ऐसी मिसाल पेश की गई जो गाय के नाम पर सियासत करने वालों के लिए करारा तमाचा है। धर्मनगरी काशी में एक इफ्तार पार्टी में मुस्लिम भाइयों ने गाय के दूध से अपना रोजा खोला। खास बात यह रही कि इस इफ्तार पार्टी में हिंदू भी शामिल हुए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्य अजहरुद्दीन की माने तो उन्होंने पहले से ही ये तय कर लिया था कि अब से वो न गाय काटेंगे न ही कटने देंगे। हम लोग का रमजान का पहला रोजा इफ्तार पार्टी था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से गांव मिल रोजा इफ्तार पार्टी थी। आज हम मुसलमान भाई बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत खुश हैं कि गाय के दूध से हम लोग रोजा खोले हैं। रमजान के पवित्र महीने में पहले दिन रोजा इफ्तार पार्टी को काउ मिल्क पार्टी में तब्दील किया है और गाय के दूध से मुसलमान भाइयों ने अपना रोजा खोला है, खजूर से रोजा खोला है और उन्होंने ये दुनिया भर को संदेश दिया है कि गाय पर सियासत नहीं होगी। रमजान के पाक महीने में काशी में इस तरह की इफ्तार पार्टियां आपको कई जगह पर देखने को मिलेगी। मुस्लिम समाज के लोगों ने गाय के दूध से रोजा खोलकर वाकई में सामाजिक एकता की मिसाल पेश की है और ये पूरे रमजान भर कायम रहने वाली है। जाहिर है भाईचारे के त्योहार ईद के दौरान ये पहल बेहद खास है। रवि पांडे, जी मीडिया, वाराणसी।